दोस्तों, यदि आप लोग भी गरीब हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी कर लेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, अमीरी की तरफ जाएगा। पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव इतना ही है कि जो अपने आप को गरीब मानते हैं, बेरोजगार मानते हैं, असहाय मानते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पूंजी नहीं होती है, और वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, कुछ पैसा कमाऊं, ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये वीडियो जो आपको देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा यार कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हाँ, ये लाइक है जो, इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल की जो घंटी आती है उसको भी आप आल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक सच्चाई वाला कंटेंट देता हूँ, एक जेन्युइन कंटेंट देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आदमी गरीब होता क्यों है, गरीब घर में पैदा क्यों होता है। सबसे जो जड़ है ना, मेन जो दिक्कत है, मेन परेशानी है कि किसके वजह से जो हमारा गरीबी घर में यार पैदा हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के घर से आते हैं तो ना कुछ लेकर आते हैं ना कुछ लेकर जाते हैं। मेरा मानना है, मैं अपने बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आदमी कुछ लेकर आता है और कुछ लेकर जाता है। अब बहुत से लोग होंगे जो इस पे सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो करें। जो मेरा मानना है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ एग्री होंगे, मेरी बातें से समझ रहे होंगे, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। देखिए, मेरा मानना है कि इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, अपना भाग्य लेकर आता है, और यहां से जब जाता है ना तो वो अपना कर्म लेकर जाता है। अब ये बहुत से लोग होंगे जो इस पे विश्वास नहीं होगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। देखिए, जिसको जहां पे पैदा होना है वहां पे वो पैदा होगा। अगर मैं किसी गरीब घर में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा भाग्य है। अगर कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है तो वो उसका भाग्य है। अगर कोई विकलांग पैदा हो रहा है तो वो उसका भाग्य है। अब देखिए, ये मैं थोड़ा धर्म से जोड़ता हूँ, अपने जो सनातन धर्म है मैं उससे रिलेट करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं अपने मानने की बातें जो मैं मानता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बुरा कर्म कर रहा है, कोई इंसान है वो जो नहीं काम करना चाहिए, जो बुरे कर्म है वो काम कर रहा है और कर करके जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, आप लोग जानते हैं कि ये सही है ये गलत है? आप लोग ये जानते हैं? आप लोग ये नहीं जानते हैं। हम सब, कोई नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सिखाने वाला कौन होता है? ये हमारा धर्म होता है। हमारा जो धर्म होता है वो सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़का है अपने माता पिता का सेवा करता है, अपने मतलब माता पिता का सेवा करता है, ख्याल रखता है, बनाता है, खिलाता है, उनका अच्छा देखभाल करता है, दवाई कराता है, इलाज मतलब बिल्कुल परफेक्ट, अपने तरफ से कोई कमी नहीं करता है, तो उसका जो फल मिलेगा क्या वो बुरा मिलेगा? ऐसा हो सकता है कि क्या उसको फल बुरा मिले? मैं मानता हूं कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लोग उस पर हंसेंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी पत्नी उसकी मजाक उड़ाएगी, क्योंकि वो बोलेगी कि अपने माता पिता के चक्कर में रहते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते हो, जो भी पैसा कमाते हो अपने माता पिता को देते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे पैसा नहीं देते हो। ये उसकी पत्नी बोल सकती है, उसके मतलब उस बंदे के सामने परेशानी आ सकती है, लेकिन उस भगवान के घर में, जिसको आप जो भी नाम दें, जो भी प्रकृति बोले, भगवान बोले, परमेश्वर बोले, जिसको भी आप मानते हैं, उनके घर में, उनके नजरों में आप कभी गिर नहीं सकते, और उनके नजरों में कभी भी ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा इंसान जो सेवा करता है, अपने माता पिता का ख्याल रखता है, अपने गुरु का ख्याल रखता है, ऐसा इंसान को क्या दिक्कत हो सकती है? और एक ऐसा लड़का उसका भाई है जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता है, अपने बहन का ख्याल नहीं रखता है, अपने परिवार में किसी का ख्याल नहीं रखता है, जा करके दारू पीता है, मांस खाता है, अलग अलग गलत हरकतें करता है जो नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बताइए, इस दोनों को, लड़का दोनों सेम है, एक धार्मिक काम करता है एक अधार्मिक काम करता है, तो इसको समझाने वाला, इसको बताने वाला कौन है? कौन इसको सिखा पाएगा? कौन इसको बता पाएगा? ये जो हमारा धर्म है, जो हमारा शास्त्र है, यही उसको समझा पाएगा, सिखा पाएगा। और इसी से बहुत से लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं। अरे नहीं होते हैं या होते हैं उसकी चक्कर छोड़ो, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, उसके आधार पे चलो, क्योंकि उस पे हम चलते हैं, तो हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर भगवान ना मिले तो हमारा ये सब मेहनत बेकार हो जाएगा। अरे हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में लोग अपना नैया पार कर रहे हैं, कैसे हम लोग भी अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं, इसलिए हमें इस धर्म की
अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने शास्त्र को ग्रंथ को ग्रहण हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, किसी को गुरु मान करके जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है उनको गुरु मान करके उनसे सीख लेनी चाहिए और सीख करके अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं इस मुद्दे से भटक रहा हूँ, मतलब जो मेरा टॉपिक है मैं थोड़ा आपको ज्ञान देने लगा। बहुत से लोग होंगे जो नाराज़ हो रहे होंगे और बोलते हैं मेरे को, कमेंट करके भी बोलते हैं कि भाई आप ज्ञान बहुत देते हो। देखो जी, आप मुझे बोलो ना बोलो, आप सीखो ना सीखो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप नहीं सीखोगे, सीखोगे तो आपका फर्क पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो आपका फर्क पड़ेगा, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपका भी कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप लोग चाहो तो देखो, नहीं चाहो तो ना देखो। मैं देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि ये मैं जो वीडियोज बना रहा हूँ ये मैं मतलब आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जीवन बदलने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई प्रयास व्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज को मैं बोल बोल के, मैं सिखा सिखा के, मैं बोल बोल के, मैं ये वीडियोज क्रिएट कर करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, मैं अपने आप को सीखता चला जाता हूँ। जो मुझे नहीं पता है, जो मुझे किसी मतलब उस टॉपिक पे बात नहीं करनी होती है, मैं उस टॉपिक पे अध बता के बात करता हूँ ताकि मुझे नॉलेज हो, मुझे ज्ञान मिले, है ना। मैं और अपना ज्ञान बढ़ाता जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे वीडियोज बनाने का यही मतलब है। और बहुत से लोगों को ये बातें सुनकर उनको अच्छा लगता है और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं सीखना है वो कितना भी उसको ज्ञान दीजिए, कोई भी उसको समझा दीजिए, वो कहेगा हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे ऑलरेडी मतलब ब्रह्म ज्ञान है, मुझे पता है। तो अरे भाई क्यों देखते हो, वीडियो छोड़ करके चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इस वीडियोज को देखने से ना देखने से? अगर आपको फर्क लगता है तो देखिए, नहीं लगता है ना देखिए। बहुत लोग हैं जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बोलते हैं कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। ना करो यार, क्या दिक्कत है। बट मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, तो ये वीडियो जो आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसलिए आपको देखना चाहिए, है ना। पैसा क्या है यार, पैसा अभी आपको लगता होगा ना कि हम गरीब हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हमें पैसा मिल जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना, ये जो भी आपको लगता है। लेकिन जब ये सब मुकाम आप पा जाएंगे, जब इस जगह पे आप चले जाएंगे, उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद से लगेगा यार कि मैं इस चीज़ के लिए परेशान था, यार अब मैं क्या करूं? उसके बाद से आपका फिर लालच बढ़ेगा, फिर आपका भूख बढ़ेगा, फिर आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते इस चीज़ से, कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलयुग है और यही सत्य है कि जो संतुष्ट हो जाएगा फिर वो तो परमेश्वर हो गए ना, वो तो भगवान ही हो गए, वो इंसान रहा ही नहीं। क्योंकि इंसान अगर हम हैं तो हमारे मन में लालच है, हमारे मन में असंतोष है, अगर ये सब है तो अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बुरा नहीं है, किसी के मन में अगर लालच है, असंतोष है तो बुरा नहीं है। अब ज़्यादा लालच करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा नुकसान तो होगा ना, अगर ज़्यादा दवाई खा लेंगे तो भी नुकसान होगा। तो ज़्यादा मात्रा में कुछ भी आप सीख लेंगे, कुछ भी आप खा लेंगे, कुछ भी आप सुन लेंगे तो नुकसान तो करेगा, बट अगर उसको सही डायरेक्शन में सही यूज करेंगे, सही तरह से प्रोग्रामिंग करके, सही स्टेप लेंगे, सही आइडियाज ला करके उस पर काम करेंगे तो ये आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लालच बुरा नहीं होता है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कर्म करते रहेंगे, अगर आपके मन में ये कुछ लक्ष्य ही नहीं है, कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं है, सिर्फ कर्म ही कर्म है, तो फिर वो कर्म आप मन से नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई लालच है, कोई लक्ष्य है, देखिए मैं लालच इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो मकसद होता है ना, जो गोल होता है, उसको आप लालच कहें, लक्ष्य कहें, गोल कहें, कुछ भी कहें, आपका ये मतलब दिमाग में सेटिंग हो जाती है कि यार मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये खरीदना है, किसी भी कीमत पे मुझे यहाँ जाना है। ये जो आपका थॉट जब दिमाग में रहेगा ना, तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। और जिसका दिमाग में कुछ गोल ही नहीं है, कुछ कुछ नहीं पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बस अपना जिंदगी काट रहा है, कट रही है, ठीक है। देखिए, गरीब गरीब इसलिए होता है ताकि उसके दिमाग में कभी ये सोच बातें सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सभी सोचता नहीं है। उसको लगता है कि अगर मैं 200 रुपये आज का कमा रहा हूँ, 250 रुपये 300 रुपये आज का कमा लेता हूँ, बल्ले बल्ले है। अगर 400 कमा लिया तो भाई सबसे बल्ले है, क्योंकि मैं सबसे अधिक कमा करके आया हूँ। छोटा सोचता है, जो गरीब लोग होते हैं वो छोटे ही सोचते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कभी भी आपको बड़ा सोचना चाहिए। अगर ये मेरा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख सब्सक्राइबर, तो मैं चाहता हूँ कि इसको 1 करोड़ बनाऊंगा, 1 करोड़ बनाऊंगा। अगर मैं ये सोच करके जब मैं काम करूंगा ना, ये सोच करके मैं वीडियोज क्रिएट करूंगा, ये सोच करके मैं आगे आऊंगा, आपको बताऊंगा, तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगी और इतना ज़्यादा मैं काम कर दूंगा अगर दिमाग में ये बात रहेगी तब। अब मैं छोटा ही सोचता हूँ कि यार चलो 2 लाख हो गए, 3 लाख कैसे हो जाएंगे, 3 लाख लोग कैसे मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और ये लालच होता है।
एक मतलब होता है कि मैं इनसे कैसे पैसे ऐंठ लूं, कैसे इनको जो है मतलब कि क्या करके इनको मतलब क्या बेच दूं, इनके मुंह पे क्या लगा दूं, क्या मतलब आंखों पे पट्टी बांध करके क्या सेल कर दूं, इनसे पैसे ऐंठ लूं, ये सब होता है लालच। लेकिन जो विजन है, जो गोल है, वो कोई नहीं जानता है, वो मैं जानता हूं, आप जानते होंगे। आपका जो मकसद है, आपको जो करना है, ये सब आप जानते हैं। बहुत से लोग होंगे जो कह रहे होंगे यार इतने ज्ञान तो ठीक है, लेकिन आखिर हम करें तो क्या करें, हम अपना गरीबी को दूर करें तो कैसे करें। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि इंसान अपना कर्म लेकर सॉरी भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है, और कर्म जो लेकर के जाता है उसी से उसका भाग्य क्रिएट होता है। इसलिए वो अलग अलग भाग्य में अलग अलग रूप में जो है आदमी आता है। अगर उसका भाग्य गरीब घर में पैदा होना है तो वो जो है गरीब घर में पैदा होगा, लेकिन उस गरीब घर में रह करके अपने भाग्य को वो बदलना चाहेगा तो वो बदल भी सकता है, वो कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये सब बातें जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, सीखता हूँ ग्रंथ से, कुछ इधर से, कुछ वीडियो से, कुछ बुक से, मैं अलग अलग तरीके से सीखता हूँ और सीख करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग मेरे साथ सीख रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और देखिए, जो गरीब इंसान है उसके पास एक सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या होती है, उसको आता है शर्म, वो कोई भी काम करने में शर्माता है। एक तो बड़ा सोचेगा नहीं, छोटा सोचेगा कि भाई मेरी 8,000 रुपये कैसे कमा लूँ, और उसके बाद से उसको वो 8,000 कमाने के लिए भी उसको शर्म लगेगा। दिक्कत यही होती है कि जो मतलब मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो 10वीं 12वीं पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, अब मैं ये रेडी ठेला है ना ये सब थोड़ी चलाऊंगा, मैं बर्गर पिज्जा थोड़ी ना बेचूंगा, मैं मूंगफली केला ये सब मैं थोड़ी ना बेचूंगा यार, मैं तो 12वीं किया हूँ, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई ऐसा सरकारी जॉब चाहिए या फिर कोई प्राइवेट जॉब हो, तो कोई कुर्सी पर बैठना हो, आराम से बैठना हो, मतलब लिखा पढ़ी वाला काम करना हो, ऐसा सोचते हैं, ये कुछ बेचने में शर्माते हैं। तो देखिए, गरीब इंसान गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो बेचना नहीं चाहता है, उसको शर्म आती है। उसको तीन चीजें दिल से निकाल देना चाहिए, कभी भी अपने आप को शर्मिंदगी के मतलब नजर में नहीं देखना चाहिए कि मुझे शर्म आती है, मैं ये बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कहना है जो कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको जो करना है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, ये आप तो जानते हैं ना। अगर आपका बच्चा भूखा है, आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो मतलब कि पढ़ाई नहीं होती है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, उसके बावजूद भी पैसों की तंगी की वजह से जो है आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये दिक्कत आपकी है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने जितना दुख काटना है, मेरी बातों से रिलेट कीजिएगा, मैं ये कहता हूँ और आप सबको भी बोलता हूँ कि आपको और मुझे जितना दुख काटना है हमने काट लिया, अपने बच्चों को इस दुख में नहीं रहने देंगे, हम निकालेंगे अपने बच्चों को, ऐसे जगह पे भेजेंगे, ऐसे इस बढ़िया स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा जहाँ पे मैं कभी खाया नहीं हूँ, अपने बच्चों को मैं वहाँ ले जाऊँगा, अपने बच्चों को मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये सब दिमाग में रखेंगे ना, तब जाके आपके साथ एनर्जी आएगी और आप एक ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करेंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस खड़ा कर देंगे जो सच में आपके लिए पागलपंथी होगी। और देखिए, जो पागल लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं, मैं सही कहता हूं, जो पागल लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं, जिसके पास एक जिद होती है कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे ये पाना है, इनके अंदर जो आग होती है ना, वो सच में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर से मोटिवेशन निकलता है और बाहर इंस्प्रेस होता है, बाहर लोग उसको देखते हैं, बाहर ऐसी एनर्जी फैलाते हैं कि लोग उसके सामने वाले भी ठीक वैसे ही बनना शुरू कर देते हैं और अपनी काम में लग जाते हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे काम करता हूं और मुझे ये सब नॉलेज है, तभी मैं आपको बता भी पा रहा हूं। गरीब गरीब इंसान बोलता है कि यार मेरे पास कोई धंधा नहीं है, क्या धंधा नहीं, अरे आज के डेट में 2022 में आपको धंधे की कमी है, आपकी रोजगार की कमी है, पैसे की कमी है, क्या चीज की कमी है। अगर कमी है तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, जो आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आप जिस आरामदायक घर में बैठे हुए हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, बेड पे सोए हैं, जिस भी हमारा आरामदायक प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसको अभी से त्याग दीजिए, ठोकर मारिए लात से और बोलिए कि आज के बाद से मैं कभी भी इस कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब मैं 500 रुपये डेली कमाऊंगा, 1,000 रुपये डेली कमाऊंगा, 2,000 रुपये डेली कमाऊंगा, ऐसा सोच रखेंगे ना तो आपके अंदर से सच में आइडियाज आएंगे, दिमाग में ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं देखिए 500 रुपये कमाने के लिए इंसान को अगर ऐसा दिमाग में फिट कर लेता है कि आज शाम तक मैं 500 रुपये कमा करके लाऊंगा, किसी भी हालत में भले कुछ भी करना पड़े, तो जैसा ये दिमाग में सोचेगा ना, तो दिमाग जो है उसका 500 रुपये कमाने के लिए अलग अलग जो है तरीका उसको दिमाग में भरेगा कि भाई ये करेगा तो तेरे को 500 मिलेगा, ये करेगा तेरे को 500 मिलेगा। और जब ऐसा सोचेगा ही नहीं तो वो दिमाग में आइडियाज आएंगे कहाँ से। सबसे बड़ी गलती है कि हम सोचते नहीं हैं। तो अगर आज मेरी बातें अभी तक सुन रहे हैं तो अभी से आप ये सोचना शुरू कीजिए कि भाई मैं गरीब हूँ,
कल तक गरीब था, लेकिन आज के बाद से मैं कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा जो है मैं बेचूंगा, कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे कि मैं अपनी गरीबी की दलदल से जो है बाहर आ जाऊं, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा एक प्रण ले लीजिए ना। जब जब देखिए, जब तक आप इस चीज को आप मानेंगे नहीं, जब तक इस चीज को आप करेंगे नहीं, तब तक ये नहीं होगा। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, इसमें से कौन सी बातें आपको समझ में आई, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, बिजनेस करने की बात है तो आपके पास 2000 रुपए है ना, 1500, 2000, 3000 रुपए हैं, तो भी आप चाहें तो ठेले पे आराम से लेकर के कुछ बेच सकते हैं और डेली 400-500 रुपए आप कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दो ठेला रख करके, किसी लड़के को रख करके, अगर थोड़ा सा और पैसा लगा करके कहीं और दुकान खुला देते हैं तो दोनों जगह से 200-400 रुपए आपको डेली आएंगे। देखिए, सोचने वाला इंसान सोचता रह जाएगा और करने वाला इंसान करता जाएगा। सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, उसको करने से होगा। सिर्फ अगर मैंने माइंड में बना लिया कि चलो मैं 500 रुपए कमाऊंगा, अगर मैं उसका एक्शन ही ना लूं, उसका मैं उस पर काम ही ना करूं, तो वो 500 रुपए कैसे आएंगे? तो सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा मेरे दोस्त, उसको करने से होगा। तो अगर अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप क्या कीजिएगा, कोई भी आज से अभी से अभी से ये सोच लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसको सोचिए मत, उसको तुरंत जाकर के एक्शन लीजिए। अगर नहीं समझ में तो उसको अच्छे तरीके से जानकारी ले लीजिए, उसको सीख लीजिए, जो ऑलरेडी उस फील्ड में जो इंसान कर रहा है उसे जाकर के सलाह लीजिए, और सलाह लेकर के आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए। देखिए, देर करेंगे तो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी की आधा जो पड़ाव है वो खत्म हो चुका है, आधा जिंदगी हमारी बाकी है। इसी में सब कुछ करना है, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, सभी के लिए इसी थोड़ी से दिनों में करना है। ये फैसला आपके हाथ में कि आप करना चाहते हैं कि वही अपना समय गंवाना चाहते हैं। मैं बातें जितनी तेज आपको समझा रहा हूं, शायद इतनी तेज आपको कोई नहीं समझाएगा और ना ही आपको कोई इतने अच्छे तरीके से गाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि अपने गरीबी से, दलदल से बाहर कैसे आ सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।